जो किसान के जो समस्या है वो समस्या के आवाज लेके आप संसद के सामने हाजिर हुए हैं। हमारा अखिल भारतीय किसान सभा जो आज पूरे हिंदुस्तान में जो चार पद यात्रा किया है, इसके पहले गांव-गांव में, महकुमा में, ब्लॉक में, जिला में हजारों पद यात्रा हुआ, और उस सारे पद यात्राओं में हमारा जो 15 सूत्री मांग है, ये मांग को जनता के सामने, किसानों के सामने हम हाजिर करने का कोशिश किया। उसके बाद सारे देश में ये करने का बाद हम चार केंद्रीय जत्था, चार प्रांत से 15-15, 20-20 दिन चल के करीब 18,000 किलोमीटर रास्ता पार करके हम दिल्ली में पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली क्षमता का केंद्र है, संसद है, जहां से बैठ के कानून तैयार होता है। दुख की बात है, इस संसद में बैठ के जो कानून तैयार करने का कोशिश हो रहा है, ये किसान के हित के लिए नहीं है, और इस बात को जोर से ये संसद के सामने उजागर करना जरूरत था। पहले मालूम है, पिछले दिन मोदी सरकार सत्ता में आते ही किसान के जमीन छीनने का कानून लाने का कोशिश किया था, मगर पूरे दुनिया का, हिंदुस्तान के किसान, लाखों किसान मैदान में उतारा, कानून को जलाया, बार बार पार्लियामेंट में धक्का दिया, और तब 56 इंची छाती सुकड़ गया और विड्रॉ करने के लिए मजबूर हुआ वो ऑर्डिनेंस। यही है रास्ता, ये बात हमको मानना पड़ेगा। कोई लाठी का, कोई हथियार कभी टप्पर में आगे नहीं बढ़ता, जो संघर्ष है पीछे हटता, उसको संघर्ष ही पीछे हटना पड़ेगा, उसके बाद निवेदन करके कोई समस्या हल नहीं हो सकता। ये हमारा भारत का किसान का अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर पूरे हिंदुस्तान के किसान आज जग रहा है, वो समझ रहा है, जो आज जो सरकार दिल्ली में हो या प्रांत में हो, ज्यादा से सरकार जो है, ज्यादातर सरकार हमारा देश का किसानों का साथ दुश्मनी को, खास तौर पर मोदी सरकार, वो 3 साल होने वाला है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट में किसान कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को पूछा, क्यों नहीं आप पालन कर रहा है, मोदी जी का सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया कि हम ये सही दाम, खर्चा प्लस आधा, 1.5 गुना दाम वादा किया था, मगर हम दे नहीं सकते। यही है सरकार, यही है सरकार जो गरीबों को ऋण जो मकूब करने का जो वादा है उसका पूरा नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं, हमारा किसान सभा का आरोप है, मोदी सरकार किसानों के साथ विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात है। वादा किया था हम खुदकुशी घटाएंगे, 3 साल में खुदकुशी 40% बढ़ गया, और सही मूल्य देने का वादा किया था, पूरा नहीं किया, ये विश्वासघात के अलावा कोई दूसरे शब्द इसके लिए हमारे पास नहीं है। इस विश्वासघात का जवाब देना आज पूरे हिंदुस्तान के जनता का काम है, और किसान 40-50 साल खेती करता है, 15 साल से लेकर 70 साल तक इतना दिन काम करके देश को खिलाने पिलाने के बाद ये देश सेवा नहीं है, तो देश सेवा किसका कहता है? ये देश सेवा नहीं है, सबसे बड़ा देश सेवा कोई करता तो किसान करता है। किसान बोल रहा है हम 40% किसान बोला दूसरे काम मिलेगा तो हम खेती छोड़ देंगे, कितना अफसोस का बात है। ऐसा परिस्थिति में पूरा देशवासियों को किसान का बाजू में खड़ा होना चाहिए, और उसको लड़ाई को हर तरह समर्थन करना चाहिए, ये भी हमारा अपील है। आज रास्ता में लड़ाई में उतरा है, इसको जीने का लड़ाई है, इस जीने का लड़ाई को हम यहाँ आवाज बोलते हैं। ये सरकार का बात हम आज आके हम दिया है, हम टाइम मांगा है प्रधानमंत्री से मिलने का, देखता है उसके 56 इंची छाती का कितना हिम्मत है किसान को सामना करने का। हमको बुलाएंगे, उम्मीद करता है, तो हम जाके सारे बात उसके सामने रखेंगे। ये भी मां नहीं थमाई देता है तो पता चल जाएगा, वो गिर भी जाता है, वो भाग जाता है। किसान का संघर्ष का सामना करने का हिम्मत उसके सामने नहीं है, एक बात ही साबित हो जाएगा, अभी तक खबर नहीं आया तो क्या करना चाहता है। ऐसा परिस्थिति में हम कहेंगे इस लड़ाई है ये शुरुआत है, और गांव-गांव में ये हम चेतावनी देने के लिए आया है। सरकार हमारा मांग नहीं मानेंगे तो हिंदुस्तान के गांव-गांव में किसान इकट्ठा होगा,
मजदूर खेत मजदूर इकट्ठा होगा, आम जनता इकट्ठा होगा और दोस्त और दुश्मन में पहचान करके दोस्त के साथ कंधे मिले के दुश्मनों को हिंदुस्तान के जमीन से झाड़ू मार के सफाई कर देगा। ये हमारा आने वाला दिन का लड़ाई का तरीका होगा। इस लड़ाई में पूरा देश का किसान और गैर किसान जनता शामिल हो, ये अपील के साथ मैं सबको निवेदन करता हूँ। इस लड़ाई में सब मदद करो और सरकार को चेतावनी देना है कि लाखों किसान को आवाज को सुनो, नहीं कब्र में जाने के लिए तैयारी करो। इसके बीच में तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है, यही हमारा कहना है। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान सभा जिंदाबाद, लाल सिला।